सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल राजधानी के समन्वय भवन में मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 29वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग शामिल हुए। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में तमाम बैंकिंग उद्योगों के अधिकार हैं, इनका कुठाराघात किया जा रहा है। इस बारे में अधिवेशन में चर्चा की गई। साथ ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों को समस्याएं आ रही है, इस तरह की विभिन्न विषयों पर विचार मंथन किया गया। यह अधिवेशन समय के उस दौर में हो रहा है जब हमारा देश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से युग अंतकारी परिवर्तन से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि बैंकिंग उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। सरकार की आम जनता को बैंकिंग से जोड़ने की जन धन योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज मध्य प्रदेश का 29वां राज्य सम्मेलन शुरू हो रहा है, चल रहा है और इसमें अभी प्रतिनिधि सभा हो रही है। इसमें पर्यवेक्षक और प्रतिनिधि जो हमारे मध्य प्रदेश के सब जिलों से आए हैं, वो जो हमारे तमाम बैंकिंग उद्योग के ऊपर जिस तरह की नीति है सरकार की है, उन पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से श्रमिक हमारे जो अधिकार हैं उन पर कुठाराघात होने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से किसानों की दयनीय हालत हो रही है सरकार की नीतियों के कारण। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में जो सीनियर सिटीज़न लोग हैं उनकी ब्याज दर बढ़ाई जाए। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो शिक्षा ऋण है उस पर ब्याज दर, और किसानों को मिलने वाला ऋण है उस पर ब्याज दर कम की जाए। लोगों की बेहतरी कैसे हो, बेहतर और किस तरह से लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं जन जन तक पहुँचे, उन सब बातों पर चर्चा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.